ट्रांसमिशन और आप देख रहे हो तो भास्कर न्यूज, जिस समय हम लोग दरगाह में है और बसपा के प्रत्याशी नीलम कुशवाहा का काफिला बहुत ही बंपर तरीके से निकाला गया है। यहाँ हम लोग मौजूद है, इनसे जानेंगे किस तरह का काफिला है और कहाँ से निकला और कहाँ तक जाएगा। मैडम थोड़ा सा आप इधर आएंगी, मैडम थोड़ा सा मैडम यह बताए किस तरह का काफिला है ये? ये हमारा जनसंपर्क काफिला है और अभी हम जनसंपर्क के माध्यम से क्या संदेश देना चाहती है? मैं यही अपनी जनता को, मधुबन की जनता को ये संदेश देना चाहती हूँ कि आप हमारी बहुजन समाज पार्टी से जुड़े और ज्यादा से ज्यादा हमें वोट करें ताकि हम 2022 में। मैडम बहुजन समाज पार्टी का दो बार विधायक रह चुके हैं आप, दो बार विधानसभा सीट आपके पाले में रहा है, सांसद आपके पाले में है, इस बार क्या लगता है हैट्रिक मार देंगे आप लोग? सरकार बनेगी और ये हम दावे से करें, आप ये देख रहे हैं काफिला, ये हमारी विधानसभा का काफिला है जो ये गवाह है कि आने वाली 2022 में हमारे बहुजन समाज पार्टी की सरकार। नीलम सिंह कुशवाहा बहुमत की सरकार इस बार पहुंची है। आप क्या नाम है सर? राजेंद्र चमार। क्या लगता है कि इस बार आपकी गवर्नमेंट बन पाएगी? एकदम बनेगी, पूर्व बहुमत की गवर्नमेंट बनेगी। मधुबन विधानसभा में दो दो बार आप पहली बार जीतने जा रहे हैं, भारी मतों से जीतने जा रहे हैं। नीलम कुशवाहा के सामने कोई प्रत्याशी नहीं है, कोई नहीं है। आएंगे सर, अपना पर्चे बताएंगे सर। संतोष सिंह। संतोष सिंह, क्या लगता है इस बार क्या माहौल रहेगा मधुबन विधानसभा का? नीलम कुशवाहा जीतेगी। मधुबन विधानसभा से नीलम कुशवाहा जीतेगी? जीतेगी। एजेंडा है इनका, किस एजेंडा पर कैसे पसंद कर रहे हैं आप इनको? अच्छा काम करेगी ये, अच्छा काम करेंगे। युवा हमारे साथ यहाँ है, थोड़ा सा सर आप आने दीजिए। सरकार हमारी आएगी, युवा इस बार युद्ध जो है इस बार बहुजन समाज पार्टी के साथ हो पाएगा, बिल्कुल हो पाएगा, बराबर होगा सर। देखिए अगर हम पार्टी के लड़ेंगे, हम सरकार के लिए निकल लेंगे। जब से बहन में कुमारी मायावती जी मुख्यमंत्री बने, चार चार बार मुख्यमंत्री बनी है और चार बार कर क्या उठाए, देखिए युवा बेरोजगार नहीं रहे हैं और इस बार भी पांचवी बार पूर्व की सरकार बने उत्तर प्रदेश में।